दोस्तों, जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे जेहन में सबसे पहले जिस शिल्पकार का ख्याल आता है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता तो कहा ही जाता है, लेकिन केवी राव ने संविधान निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए कहा कि अंबेडकर को संविधान की माता कहना गलत नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान न सिर्फ एक न्यायवादी, समाज सुधारक और प्रखर राजनेताओं के रूप में की जाती है, बल्कि भारत के महान विभूतियों में भी उनका स्थान अग्रणी है। छुआछूत और जातिगत प्रतिबंधों के साथ उन्होंने अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में उल्लेखनीय प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र और आप देख रहे हैं जीएस फोरम और लर्निंग मंत्रा का यूट्यूब चैनल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष की गाथा। डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत प्रांत या आज के मध्य प्रदेश के सैन्य छावनी महू में हुआ था। वह रामजी, मालेजी और भीमाबाई की 14 संतानों में सबसे छोटे थे। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी ब्रिटिश भारतीय आर्मी में सूबेदार थे और आज के मध्य प्रदेश के महू में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। साल 1894 में उनके पिता रिटायर्ड हो गए और उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। दो साल के भीतर ही साल 1896 में उनकी माता का निधन हो गया। इस समय अंबेडकर जी महज 5 साल के थे। अब इनकी परवरिश की जिम्मेदारी इनकी बुआ पर आ गया। 4 साल बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र की महार जाति से ताल्लुक रखते थे और उस समय समाज में इस जाति को अछूत माना जाता था। ऐसे में उनको और उनके परिवार को अनेक बार सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भी छात्र भीमराव को स्कूल के दिनों में भी काफ़ी छुआछूत का सामना करना पड़ा। इनको अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। अंबेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि स्कूल में उन्हें पानी पीने का मूलभूत अधिकार तक नहीं मिलता था। इसके लिए उन्हें चपरासी की आवश्यकता होती थी। जिस दिन चपरासी नहीं होता था उस दिन पानी भी नसीब नहीं होता था। हालांकि पिता आर्मी में थे, इसलिए उनको अच्छी शिक्षा और जीवन का लक्ष्य भी मिल गया था। इस प्रकार के भेदभाव से परेशान होकर जब भीमराव ने इसका जिक्र अपने पिता से किया तो उन्होंने कहा, तुम्हें इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए पढ़ना है। तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अपने समाज को मूलभूत अधिकार दिला कर रहेंगे। शुरुआती दिनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने तमाम बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। साल 1897 में इनको मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। इसी के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने उस वर्ग के पहले व्यक्ति बन गए जो छुआछूत की समस्या का सामना करता था। साल 1907 में मैट्रिक पूरी करने के बाद 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और एक बार फिर से पहली बार अपने वर्ग में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले व्यक्ति बन गए। साल 1912 में उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पूरी किया। स्नातक में उनके विषय इकोनॉमिक्स और राजनीति विज्ञान थे। साल 1913 में उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की शिक्षा के लिए मौका प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी और इसीलिए साल 1913 में 22 साल की उम्र में वे अमेरिका चले गए। इसके बाद अक्टूबर 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन गए और वहां ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए दाखिला लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट
थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में वह अपना अध्ययन अस्थायी रूप से बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। भारत लौटने पर भीमराव बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में कार्य करने लगे, जहां कुछ दिन बाद उन्हें फिर से भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंत में बाबा साहेब ने नौकरी छोड़ दी और एक निजी ट्यूटर और एक लेखाकार के रूप में काम करने लगे। साल 1918 में वह मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बन गए, जहां उनको एक बार फिर से छुआछूत का सामना करना पड़ा। यहां उनका अन्य प्रोफेसरों के साथ पानी पीने के जग को साझा करने पर विरोध किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष जब भीमराव अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया, तब अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। साल 1920 में उन्होंने मुंबई में साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन का काम शुरू किया, जिसका इस्तेमाल अंबेडकर रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं और जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया करते थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में कानून की प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने अस्पृश्यताओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका पहला संगठित प्रयास बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। साल 1927 में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बहुत से सक्रिय अभियान शुरू कर दिए और अपना पूरा समय इसी लक्ष्य को देने लगे। उस समय दलितों के लिए विपरीत स्थितियां और समाज में व्याप्त असमानता के कारण मन में आक्रोश होते हुए भी हिंसा का मार्ग अपनाने के स्थान पर उन्होंने गांधी जी के मार्ग को अपनाया और सत्याग्रह अभियान के तहत छुआछूत के अधिकार, जल स्रोत से पानी लेने और मंदिर में घुसने की आज़ादी देने की वकालत की। अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाद में एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे महाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सत्याग्रह गांधी जी की दांडी मार्च के भी 3 साल पहले हुआ था। दलितों को पीने का पानी मिले, ये इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। दलितों के कुछ लोगों के साथ समूह में उन्होंने महाद के चवदार झील में पानी पिया, जो कि दलितों और शूद्रों के लिए निषेध की गई थी। उन्होंने कहा कि हम चवदार झील पानी पीने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम भी इंसान हैं, इस कारण ये हमारा अधिकार है। इस सत्याग्रह का उद्देश्य यही है कि हमें समानता का अधिकार मिल सके। साल 1930 में भीमराव अंबेडकर ने काला राम मंदिर सत्याग्रह को शुरू किया, जिसमें करीब 15,000 स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग लिया था। यही नहीं, इस आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था और उसमें एक स्काउट का बैच भी शामिल था। पहली बार पुरुष और महिलाएं भगवान का दर्शन अनुशासन में कर रहे थे। जब सभी आंदोलनकारी मंदिर के गेट तक पहुंचे, तो उन्हें गेट पर खड़े ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा गेट बंद कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन उग्र होने पर गेट को खोला गया, जिसके परिणाम स्वरूप दलितों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिलने लगी। साल 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, तब महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। साल 1936 में भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने साल 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती थीं। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने बड़ी संख्या में बहुत सी विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए, जिनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी शामिल है। इसमें वह मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना करते हैं। इसके अलावा मूक नायक, बहिष्कृत भारत,
जनता, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी और जिन्ना, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, स्टेट्स ऑफ माइनॉरिटी, हु आर शूद्रास, बुद्धा या कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, रीडल्स इन हिंदुइज्म, मनु एंड द शूद्र का भी प्रकाशन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया के कुरीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, लेकिन मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा किया। अब अगर भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की चर्चा की जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार बंबई की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश हार गए। मुस्लिम लीग की सहायता से आज का बांग्लादेश और तब का बंगाल सीट से इन्होंने चुनाव जीता, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश में चला गया, परिणामतः प्रतिनिधित्व भी चला गया। आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इस समस्या को देखते हुए आईसीएस अधिकारी बी एन राव यानी वेनेगल नरसिंह राव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले सदस्य भी थे और संविधान सभा के विधिक सलाहकार भी थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से कहा अंबेडकर का सदस्य होना जरूरी है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई प्रधानमंत्री बीजी खेर से कहा कि अंबेडकर को सदस्य जरूर बनाएं। तब जाकर बीजी खेर ने बंबई सीट से जीते हुए सदस्य एम आर जयकर से इस्तीफा लिया और अंबेडकर जी को सदस्य बनाया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति का कार्य बी एन राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, न कि प्रारूप को तैयार करना। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार जब अस्तित्व में आई, तब उन्होंने भीमराव अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद अंबेडकर के द्वारा तैयार किए गए संविधान में व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, अस्पृश्यता को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो एक सकारात्मक कार्रवाई थी। स्वतंत्र भारत में जब राष्ट्रीय ध्वज पर विचार विमर्श किया जा रहा था, वह भीमराव अंबेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ही थे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का सुझाव दिया था। उन्हीं की बदौलत आज तिरंगे में अशोक चक्र प्रदर्शित होता है। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था और उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। भीमराव अंबेडकर के दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 पुस्तकें लिखीं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इवोल्यूशन ऑफ अ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। साल 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। साल 1935-36 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका और यूरोप से लौटे थे,
तो उन्होंने 20 पेज की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था वेटिंग फॉर वीजा। इसमें इन्होंने अपने बचपन के छुआछूत के अनुभवों को लिखा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किताब को टेक्स्ट बुक के रूप में काम में लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेश से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री ली और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ स्टैचू लगा है। साल 2016 में एनडीए मोदी सरकार का नोटबंदी का निर्णय भी अंबेडकर की किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपी से प्रेरित था, जो कि अंबेडकर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। साल 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता और कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आपको बताते चले, अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के चलते साल 1935 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द और डायबिटीज़ भी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में किया। बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के इस मसीहा ने अंतिम सांस ली।